जिसके लिए राज्य मांगा गया था उसकी कोई भी मतलब कोई भी चीजें पूरी नहीं हुई है। आज हम लोग इस अपने धर्म बचाने के लिए इस तरह से इतने बुजुर्ग आदमी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। बड़े शर्म की बात है कि हमारे नेताओं को 20 साल बाद इस तरह से मतलब स्वामी जी इतने बुजुर्ग आदमी यहाँ पे जो है धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। शर्म तो आनी चाहिए उन नेताओं को पहले, जिनको मतलब आज भी देवभूमि का अस्तित्व बचाने के लिए जब लड़ रहे हैं 20 साल तक, तो क्या किया इन लोगों ने 20 साल तक अपने धर्म के लिए? धर्म बचा नहीं सकते तो फिर ये राज्य कैसे बचाएंगे, कैसे करके ये राज्य के लिए कुछ करेंगे? तो इसी मुद्दे पे हमारे स्वामी जी जो है, मैं नमन करता हूँ स्वामी जी को कि इस अवस्था में भी स्वामी जी हमारे लिए इतने आगे खड़े हैं और मतलब हमारे लोग अभी तक सोए हुए हैं। ये तो निराशा वाली बात है कि लोगों को यहाँ कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 500 लोगों को बैठा होना चाहिए था, यहाँ 50 आदमी नहीं बैठे हुए, लोग कहाँ सो रखे हैं? मुझे तो अफसोस हो रहा है इन लोगों का। मतलब लोग खाली बोलते हैं, एक दूसरे के सामने पे बोलते हैं, संगठन बना रखे हैं दुनिया भर के हिंदुत्व के नाम पे, संगठन बहुत चला रहे हैं, बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो संगठन, किस लिए काम कर रहे हैं? एक आदमी अगर उत्तराखंड के लिए इस तरह से इस अवस्था में यहाँ पे बैठा हुआ तो उसके सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े होते हैं? इस समय जब उन्होंने एक अच्छा अभियान छेड़ा है देवभूमि को बचाने के लिए, तो उसके बाद भी लोग घरों में बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, लोगों को तो कम से कम आगे आ करके इनका साथ देना चाहिए। अपने अपनी जगह से कम जहाँ पे वहीं बैठे लोग कम से कम, चलो कोरोना की वजह से अगर सामने नहीं आ सकते, यहाँ एक जगह में नहीं कर सकते, तो अपने अपनी जगह में कम से कम लोगों को जो है दो दो चार चार करके बैठ करके उनके सपोर्ट में सहयोग करना चाहिए, खड़े होना चाहिए, शासन प्रशासन पे दबाव बनाना चाहिए, किसी तरह से भी जो है धर्म बचे, हमारा उत्तराखंड बचे, उत्तराखंड की संस्कृति बचे। इसके लिए जरूर मतलब मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा, अपना संदेश दे जरा सब लोगों को, जिससे सब लोग आगे आए और कुछ करें। जय बद्रीसाल। और मैं सभी मित्रों से, सभी देवभूमिवासियों से, हिंदू धर्म उद्गम क्षेत्र के विशेष लोगों से आज ये बोलने के लिए विवश हूँ कि भाई अगर बहन बेटियों की रक्षा के लिए, पहले तो सरकार को पहले ही कानून बना देना चाहिए था, अगर नहीं बना पा रही है, बेबस सरकार है, तो छोड़ दे फिर सरकार, यहाँ के लोगों पे छोड़ दे, वो कानून अपने हाथ में ले लेंगे और कानून से बना लेंगे। आज जो है हिंदू धर्म का उद्गम आज पीड़ित है, एक वायरस, आज कोरोना वायरस है, मैं समझता हूँ कोरोना वायरस से मनुष्य की मृत्यु होगी, परंतु ये इस्लामिक वायरस जो है ये हमारे संस्कारों को तहस नहस कर देगा, क्या बचेगा फिर हमारे पास? कुछ नहीं बचने का। इन लोगों के द्वारा देवभूमि के संस्कारों पर, संस्कार रूपी बेटी पर बार बार प्रहार किया जा रहा है, जगह जगह पर प्रहार किया जा रहा है, जिसका नाम है लव जिहाद। लव जिहाद के माध्यम से ये हमारे परिवारों पर, हमारे संस्कारों पर, हमारे संस्कृति रूपी बेटी पर राक्षस बन के राक्षस रूपी आक्रमण कर रहे हैं, और देवभूमि के लोग भी फिर भी सोए हुए हैं। आश्चर्य है देवभूमि के लोगों, ये तो आप बहुत शांति प्रिय हो, ये सबसे बड़े कायर हो, क्योंकि कायर लोग धर्म बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, इतिहास साक्षी इस बात का। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी बहन बेटी की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए, परंतु आज इतने बेटियां उत्तराखंड से जा चुकी हैं, कई बार मैंने आपका रिएक्शन नहीं देखा, आपका विरोध नहीं देखा, परंतु अब मैं विशेष के नौजवानों से, जो हिंदुत्व के प्रति अपना थोड़ा सा, जिनके दिमाग में अपने संस्कृति के प्रति, अपने पूर्वजों के धरोहर के प्रति जो चिंतित हैं, वो लोग अगर यहाँ नहीं आ सकते, चलो कोरोना काल है, हम भी चाहते हैं कि कोरोना में कम से कम लोग आए, और मैं चाहता हूँ जैसे कुमाऊं मंडल के लोगों ने हल्द्वानी में, लाल गुवा में और धरना प्रदर्शन किया, मैं चाहता हूँ लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ उत्तराखंड के हर क्षेत्र में
छोटे छोटे प्रदर्शन होने चाहिए, चाहे कोई 5 आदमी हो, 3 आदमी हो, 10 आदमी हो, ब्लॉक में हो सकता है, तहसील में हो सकता है, जिले में हो सकता है। अरे भैया कहीं अपने गांव में भी हल्ला ही मचा लो। और एक बात एक अपील करना चाहता हूं मैं आप लोगों से, लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। देखो आप, आज मुसलमान इस उत्तराखंड में जहां देखो वहां देखो मजार, जहां देखो मस्जिद। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक कहावत आपने देखा होगा कि नैनीताल में नैना देवी का छोटा सा मंदिर, छोटा सा अनादिकाल का, और उस नैना देवी के मंदिर के ऊपर बहुमंजिली मस्जिद बना दी। तो मेरे नैनीताल के लोगों, तुम तो डूब मरे थे उसी दिन, अन्य कई जगह का भी है। इसलिए ये लैंड जिहाद है, देवभूमि की तरफ लैंड जिहाद को रोकना होगा। भद्र केदार हमारे, गंगोत्री जमुनोत्री, बागेश्वर जागेश्वर, मुक्तेश्वर, गोलजू देवता, महासु देवता, एक से एक बड़े बड़े देवता है, सिद्धपीठ है हमारी, वहां तक इन राक्षसों को नहीं पहुंचने देना। याद दिला रहा हूं आपको कि आपके देव उनकी संस्कृति से बात करें कि देवताओं ने बार बार, माँ भगवती ने कितनी बार राक्षसों का वध किया, भगवान राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान कृष्ण ने भी धर्म के लिए अपनों का वध करने के लिए अर्जुन को उपदेश दिया। तो आज समय आ चुका है उत्तराखंड वासियों कि आज नहीं तो कल फिर कभी नहीं। अभी तो इनकी जनसंख्या थोड़ा कम है, थोड़ा आज दीदी दीदी बोल रहे होंगे, हो सकता है कि गलतफहमी आप लोगों ने पाल रखी अपने मन में कि वो दीदी बोल रहा है। अरे भैया वो किसकी दीदी, वहां तो दीदियों से शादी करते हैं, बेटी से शादी करते हैं, और ऐसे लोगों की दीदी और बेटी के पीछे आप बिल्कुल किसी ग्राम सभा में मुसलमान नजर नहीं आना चाहिए। ये गोल टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले, अरे भाई मनुष्य है तो ये दाढ़ी काटे, अगर ये कोई मनुष्य है तो गोल टोपी उतार के साइड रख दें। पहाड़ के लोगों ये समझो, ये अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर भी। और जब पहाड़ के लोगों, आदि दुर्मति तो तुम्हारी हो ही गई है, उसे तो वापस नहीं ला सकता कोई, क्योंकि तुमने हलाल का मीट खा लिया। और जो वर्ग, जो हिंदू 5-10 साल तक हलाल का मीट खा लेता है, वो कट्टरपंथी कभी नहीं हो सकता, और हिंदुत्व के प्रति उसके अंदर वो जज्बा नहीं होगा, ऐसा मुझे मुसलमानों ने कहा। तो मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हूं आप लोगों के भरोसे, सरकार के भरोसे नहीं, क्योंकि सरकार के भरोसे धर्म बहन बेटी को नहीं छोड़ा जा सकता, बहन बेटी से बलात्कार हो जाएगा, सरकार तब आएगी, धर्मांतरण हो जाएगा, सरकार सोचेगी एक महीने बाद फिर आएगी। इसलिए धर्म और बेटी की रक्षा जो समाज होगा उसको स्वयं करनी होगी। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ थोड़ा, और उस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि मैं 2013 में मुजफ्फरनगर की घटना, मैं जाट समाज के लिए नमस्कार बोलता हूँ कि एक जाट समाज की बेटी को एक कट्टरपंथी ने जब कुछ बोल दिया, कुछ छेड़ा नहीं बोल दिया, तो जाट समाज ने क्या बात कही, एक बात कह सुनाता हूँ कि उन्होंने कहा भाई वो बेटी जाट समाज की बेटी है, जाटों की सामूहिक, अगर उस समय कई जाट समाज ये कह देता कि भाई ये हिंदुओं की बेटी है, तो मैं समझता हूँ उससे भी बढ़कर हो जाता। तो सोचो जब तक उत्तराखंड वासियों, ये उत्तराखंड की बेटी है, अभी मानो आप किसी की भी हो, किसी गोरखाली की हो, किसी सरदार की हो, किसी बनिया की हो, किसी छोटी बड़ी कौन सी किसी की भी हो, अगर बेटी उत्तराखंड में रहती है तो वो बेटी उत्तराखंड की है, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप हमारी सबकी है। आज बहुत बोल चुका हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोलना पड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार आपसे अपील करूंगा कि आप जहां हो जिस रूप में हो इस वीडियो को, इस आवाज को लोगों तक पहुंचाना, इतनी अपील तो करें लोगे, ये आपके हाथ में ये बटन, तो इसके लिए तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इसलिए बटन दबा दीजिए और इस आवाज को उन कंदराओं तक भेज दीजिए जहां अभी लोग कुछ शांत स्वभाव से सोए हुए हैं, और ज्यादातर उन्हीं के ऊपर डाका पड़ने की बड़ी संभावना है। देहरादून में तो लोग देखो फिर बचने का प्रयास कर रहे हैं,
और एक बात और बता रहा हूँ कि इस उत्तराखंड में कई जगह कैराना बन चुकी हैं। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। अभी ताजी घटना है विकास नगर की। विकास नगर में जीवनगढ़ में एक मुसलमान, एक मुल्ला जिसका नाम सुहेल पासा, क्या कहता है वो कि यह कभी जीवनगढ़ पंडितों का हुआ करता था, परंतु अब हमने जीवनगढ़ को पंडित मुक्त कर दिया। अब उत्तराखंड वासियों डूम मरो, उत्तराखंड की धरती पर ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई मुसलमान, कोई कट्टरपंथी, कोई जिहादी करे तो तुम्हें डूम मर जाना चाहिए। जय बद्री विशाल। यहाँ पर जो धरना स्वामी दर्शन भारती जी द्वारा और किमोठी जी के द्वारा निरंतर कल से शुरू किया गया, 19 तारीख से उत्तराखंड में धर्म बचाने के लिए, जो आज 20 साल बाद हमें शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं को कि 20 साल बाद भी हम धर्म बचाने के लिए लड़ रहे हैं देवभूमि में। वो भी बड़े दुख की बात हुई है कि देवभूमि में धर्म बचाने के लिए हम लोगों को धरना देना पड़ रहा है, और वो भी इस उम्र में। स्वामी दर्शन भारती जी एससी पे पहुँचने वाले हैं और इस उम्र में वो धर्म बचाने के लिए नेताओं के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, समझ लो अपने धर्म बचाने के लिए। तो हम लोग कहाँ से हुए हैं, हमारे लोग युवा लोग कहाँ से हुए हैं। उन लोगों को आज कम से कम सड़कों पे आना चाहिए। और किमोठी जी निरंतर हमारे दर्शन भारती जी के साथ में, हमेशा उनके सानिध्य में ब्रह्मचारी जी हमेशा अपना जीवन ही मतलब समाज के लिए लगा दिए हैं। तो लोगों को इस समय इनका साथ देना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग इस समय एक शुरुआत की है दर्शन भारती जी ने ये नवरात्रों में, बढ़िया इससे बढ़िया अवसर क्या हो सकता है। सब लोगों को इस समय इनका साथ देना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। धर्म बचा, धर्म ही नहीं बचेगा तो तुम लोग कहाँ से बचोगे। इसलिए जो है इसमें जरा किमोठी जी कुछ अपने। सही कहा थपलियाल जी ने, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथेव च, धर्म रक्षित रक्षित। उत्तराखंड वासियों और मेरे सभी माताओं बहनों देवियों सज्जनों, सबसे पहले हमें तो अपने मन के अंदर, जो हमारे मन के अंदर भय बैठा हुआ है, इन लोगों ने भय बैठा रखा है, इस भय को बाहर करना है, इस भय से लड़ना है। ये भय जो है कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है कि हम जिहाद के खिलाफ नहीं बोले, हम मुसलमानों के आक्रांत जो हमारा अनाधिकार धार्मिक हस्तक्षेप उत्तराखंड देवभूमि में कर रहे हैं उसे खिलाफ न बोले, ईसाईकरण कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, चाहे नरेंद्र नगर के एरिया में कर रहे हैं, कल परसों कोटद्वार में कर रहे थे। भैया सरकार आपने कैसा कानून बनाया, आप कह रहे हमने 2018 में धर्मांतरण में कानून बनाया है, तो फिर ये इशू कैसे हो रहा है, ये कानून किसके लिए बनाया हुआ आपने। तो मेरी सरकार से अपील है आप सब जनता की तरफ से कि अगर आपने धर्मांतरण पे कानून बना दिया है तो ये जो बंदे, ये जो लोग, ये जो कैथोलिक मिशनरियां, जो भी ईसाइयों के जो भी ये चट्टे बट्टे हैं बाहर से, जो इनका फंडिंग आ रहा है और सारा ईसाईकरण कर रहा है, तो ईसाईकरण कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस पे बिल्कुल समस्या ये है कि देवभूमि में हम देवभूमि का इस्लामीकरण और ईसाईकरण अपने जीते जी नहीं होने देंगे। इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, जैसे कभी पृथ्वीराज चौहान ने आवाज़ उठाई थी, जैसे कभी राणा प्रताप ने तलवार उठाई थी, ये छत्रपति शिवाजी ने भाला उठाया था, उसी प्रकार से हम छोटे स्तर पे, छोटे मानव, हम भी आवाज उठाएंगे और हो सकता है हमारी आवाज लंबी जाए। लेकिन मैं देवभूमि की सप्रान जनता से, सभी धर्म रक्षकों से कहूंगा कि आज देखिए स्वामी दर्शन भारती जी ने कितना बड़ा, एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा आप लोगों के नैतिक बल पे यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठ गए हैं कि उत्तराखंड सरकार एवरम लव जिहाद लैंड जिहाद पर कानून बनाए और हमारी बहन बेटियों की जो चिताएं जल रही हैं, जो चिताएं लव जिहाद के शिकारों की बेटियों की जल रही हैं, वो जलना बंद हो जाए, अन्यथा यहाँ बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। ऐसा नहीं, पहाड़ का आदमी चेतता नहीं है, भले पहाड़ का आदमी, उत्तराखंड का आदमी सज्जन है, सीधा है, लेकिन उतना ही कठोर है हिमालय की तरह, चट्टान की तरह, अगर जिस दिन जाग गया तो पता नहीं कि दोनों के सर फूट जाएंगे। इसलिए मेरा यही लोगों से अपील है कि आप लोग जो जहाँ पर है, अगर दूर दराज से यहाँ स्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं तो अपने अपने स्थल पे जो जहाँ पर है वहाँ पर लाइव करिए, वहाँ पर सोशल मीडिया में आवाज उठाइए और वहाँ पर सांकेतिक धरना दीजिए, ताकि एवलम उत्तराखंड देवभूमि की सरकार, तीरथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कानून बनाएंगे, लेकिन आप लोगों की आवाज उठाना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम अभी सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब हम किसी बेटी की अर्थी को नहीं उठाएंगे अपने कंधों पे। अगर
कानून नहीं बना तो इस धरनास्थल से हमारी अर्थी उठेगी। अब हमें इतना नैतिक बल नहीं रहा कि हम बार बार कभी दीपा पासवान की अर्थी उठाएं, कभी हम लक्ष्मी की अर्थी उठाएं, कभी हम पूजा की अर्थी उठाएं, और यह सिलसिला जारी रहेगा। इन्होंने पुलिस प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि भैया ऐसा है कि आप लोग गुमशुदी दर्ज करा करके तस्करी कर देते हैं। हजारों लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हुई, गुमशुदी का, जिहादियों के हवस का शिकार हो रखी है, लेकिन कहीं कोई गुमशुदी रिपोर्ट के अलावा पुलिस के पास कोई संज्ञान नहीं है। क्या आपके पास कोई कानून नहीं है? क्या आपके पास कोई तंत्र नहीं है? क्या आपके पास संसाधन नहीं है कि पता करें कि टीरी में जो लड़की लापता हुई थी 2 महीने पहले उसका क्या हुआ? कौन पता करेगा? जो चंपात में हुई थी उसका क्या हुआ? कौन पता करेगा? जो चमोली में लापता हुई उनका क्या हुआ? कौन पता करेगा? इसलिए ऐसा तंत्र बनाइए, ऐसा कानून बनाइए। मैं सब राज्य से कहूंगा, मेरी मांग कीजिए, मुझे ताम्रपत्र में कानून बना के दीजिए। अब हम उत्तराखंड जनता को ऐसी मांग करनी होगी, ये कोरे कागजों में जो कानून बनता है ये गुमशुदी तक रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और उसके अलावा इनकी हजारों में चूका, आपने सुना होगा उत्तराखंड में दुष्कर्म हुआ, तो क्या किसी जिहादी को, क्या किसी हबसी को कोई सजा मिली? इस कागज के कानून ने कोई सजा दी? किसी को फांसी पर लटकाया? बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड में हमारे संज्ञान में तो है नहीं। तो हम ये मांग कर रहे हैं, ये बद्री विशाल की तरह है, ये शिवलोक है, और ये विश्व में हिंदुओं का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का उद्गम स्थल है, गंगा जी का उद्गम है। यहाँ पर हम ईसाइयों का, इस्लामिक जिहादियों का, वो भक्षकों को हमें हर हाल में रोकना है। उनका यहाँ पर कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। हमारा मुसलमानों से राजनीतिक मतभेद नहीं है, ईसाइयों से, मुसलमानों से हमारा कोई सामाजिक मतभेद नहीं है, लेकिन मतभेद है तो धार्मिक मतभेद है, और वो डंके की चोट पर रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को जय श्री राम करते हुए निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आप आगे आइए और इस महान यज्ञ में माँ भगवती का, शक्ति स्वरूप का हम कन्या के रूप में जो पूजन करते हैं, नवरात्र के रूप में पूजन करते हैं, माँ के 9 रूप का पूजन करते हैं, तो आई कन्याओं को पूजन करते हुए इनकी सच्ची पूजा यही होगी। उत्तराखंड सरकार, हिंदूवादी सरकार, तत्काल कानून बनाइए और ये माँ बहन की आस्पता से आनस्पता को बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये हमारा उत्तराखंड के रक्षा अभियान के तहत उत्तराखंड को बचाने के लिए एक अभियान है, जिसके लिए स्वामी जी आमरण अनशन पे बैठे हैं और हम सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उत्तराखंड को आप लोग सोचेंगे कि बचाने की जरूरत क्यों पड़ी, किससे बचाने की जरूरत पड़ी? हम उत्तराखंडी लोग बहुत सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे यहाँ 4 धाम हैं और इतिहास गवाह है। क्या हमारे यहाँ गरीबी नहीं है या बेरोजगारी नहीं है? है, पर आज तक किसी के पॉकेट नहीं कटी, कोई बस नहीं लूटी, कोई कार नहीं लूटी, किसी का अगर पर्स गिरता है तो उसको एज इट इज मिलता है। क्यों? कि यहाँ 4 धाम देवभूमि इसलिए नहीं कि 4 धाम है, ये देवभूमि इसलिए कि यहाँ का हर व्यक्ति का हृदय जो है पावन है, मासूम है। इस मासूम धरती में हम लोग चाइना बॉर्डर के नजदीक हैं और एक बिना तनख्वाह के सैनिक के रूप में रह रहे हैं, गाँव गाँव में रह रहे हैं। पर अभी जो दुर्भाग्य है, क्योंकि अचानक जनसंख्या जिहाद के बाद ये जनसंख्या विस्फोट इस तरह हुआ कि दुनिया भर के जिहादियों का उत्तराखंड में आना, बिजनेस पे कब्जा करना। आप अगर छोटा सा शहर भी देखेंगे तो वहाँ का नाई, धोबी, वो चमड़े वाला, जूते बनाने वाला, सब्जी वाला, परचून की दुकान वाला, दूध वाला, कबाड़ी वाला, सारा लोकल व्यक्ति छोड़ करके सारा ये जिहादी लोगों के हाथ में चला गया। आज अगर देखिए आप, चाहे कृषि के क्षेत्र में बीज भंडार से लेकर के सब्जी से लेके राशन की दुकान से लेके दूध तक लोकल लोग इन जिहादियों से खरीदते हैं, जो या तो मुजफ्फरनगर से आया हुआ है, या बिजनौर से, या बंगाल से, या रोहिंग्या है पश्चिम बंगाल से, ऐसे लोग तो यहाँ पे बिजनेस पे उनका टाका। फिर उसके बाद जो उनका है कि जितने आप लोग हिंदू मुसलमान बनाओगे तो उतना उनके धर्म में उनको स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ की लड़कियों को बहला फुसला कर ले जा करके उसको कन्वर्ट करके, और फिर ये बड़ी मात्रा पे एक साजिश के तहत चल रहा कि किसी हिंदू लड़की को अगर मुसलमान बनाते हैं तो हिंदुओं की संख्या कम होगी, और फिर उसको, क्योंकि इनके यहाँ औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये उन औरतों को, उस बहुत सारे केस हैं हमारे संज्ञान में कि जो लड़कियां एक नरक का जीवन जी रही हैं। हिंदुओं में तो यह है कि नारी पूज्य होती है, पर इनके यहाँ नारी सिर्फ भोग्य वस्तु होती है और बच्चा पैदा करने की मशीन होती है। और ये महिलाएं, ये कहते हैं, महिलाओं को भी ऐसा फीड कर दिया जाता है कि हम जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतना अपने धर्म के लिए हमारा
अच्छा होगा, हमें हमारा भगवान इज्जत देगा। तो इसलिए ये जो है गैर मुसलमानों पे अत्याचार करते नहीं चुकते, ये बहुत क्रूर जाति है। और इस समय जो सबसे बड़ा वो है उत्तराखंड को कब्जा करने के लिए, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन उत्तराखंड दूसरा केरल या श्रीनगर जम्मू कश्मीर बन जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आप लव जिहाद और लैंड जिहाद पे कानून बनाएं, ताकि हम पहाड़ी लोग अपनी संस्कृति को बचा सकें, सुकून से जी सकें, और हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कायर न करें। मैं निधि राणा आज स्वामी दर्शन भारती जी महाराज जी के साथ दूसरे दिन इस आमरण अनशन में हम लोग बैठे हुए हैं। ये अनशन हमारा है लव जिहाद लैंड जिहाद। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से तीरथ सिंह रावत जी से ये मांग है कि जो उत्तराखंड है हमारा, यहाँ पर जो है ये एक तो देव स्थान है, और हमारे यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं जो ये जिहादी जी बाहर से आकर के हमारे उत्तराखंड को क्षति पहुँचा रहे हैं, हमारे यहाँ की बेटियों को फुसलाते हैं, लालच देते हैं, और अपने उसमें जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, और यहाँ की ज़मीन को भी दुगने दामों में खरीदते हैं लोगों से लालच दे करके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनती है कि एक कठोर से कठोर ऐसा कानून बनाए लव जिहाद के प्रति, लैंड जिहाद के लिए, जो कि देवभूमि में दोबारा ऐसा हरकत करने के लिए कोशिश, जैसे योगी जी ने उत्तराखंड में तुरंत अपना सख्त सख्त कानून बना दिया लव जिहाद के लिए, आज हम भी यही चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी ये कानून बन जाए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। अगर आज हम लोगों ने कदम नहीं उठाया, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हमको कलंकित करेंगी कि हमारे लोग पूर्वज कैसे थे, हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये कानून हमारा नहीं बनता। हमको लव जिहाद लैंड जिहाद के लिए कानून चाहिए उत्तराखंड में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मेरा नाम निकिता सिंह चौधरी। हम यहाँ पे आज स्वामी जी के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। स्वामी जी को आज दूसरा दिन है। स्वामी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने आज से पहले भी एक बार अनशन किया था 1979 में, तब उत्तराखंड की स्थापना की थी, और आज दूसरी बार अनशन उत्तराखंड देवभूमि की बेटियों को बचाने के लिए दोबारा किया है, लव जिहाद और लैंड जिहाद के ऊपर कानून बनाने के लिए। अब स्वामी जी हमारे स्वामी दर्शन भारती जी, इन्होंने एक बार पहले भी अनशन किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, जैसा ये चाहते थे कि हमारा उत्तराखंड ऐसा बने, ऐसा नहीं बन पाया। अब हमारे यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, बाहर के मुसलमान लोग हमारे हिंदू बेटियों को फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में बोल ले, या फिर जैसे भी उनको फंसा करके अपने ये इस्लाम जबरदस्ती, अगर कोई वैसे मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती कबूल कराते हैं इनसे। अब मैं आपसे ज्यादा नहीं, बस हमारे तीरथ सिंह रावत जी से प्रार्थना करना चाहूंगी हाथ जोड़ के, प्लीज मेरी बात को सुने, और हमारे यहाँ पे जितने भी लेडीज आई हुई है ये स्वामी जी के समर्थन जो भी लोग कर रहे हैं, तो आप सब प्लीज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और तीरथ सिंह रावत जी हमारे ये लव जिहाद और लैंड जिहाद पे कानून बनाए प्लीज। सो आई रिक्वेस्ट, थैंक यू।